नमस्कार, राजदावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। अपनी फिल्मों से लोगों में देशभक्ति का जुनून जगाने वाले भारत कुमार उर्फ मनोज कुमार आज 46 साल के हो चुके हैं। नेशनल अवार्ड दादा साहेब फाल्के, पद्मश्री अवार्ड और 8 फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित हो चुके मनोज कुमार की शुरुआती जिंदगी मुश्किल रास्तों से होकर गुजरी। महज 10 साल की उम्र में मनोज कुमार ने भारत पाकिस्तान के दंगों में अपनी आंखों के सामने बड़े भाई को खो दिया। पाकिस्तान छोड़कर भारत आए तो जिंदगी शून्य से शुरू करनी पड़ी। फिर एक दिन किस्मत टहलते हुए फिल्मों के सेट पर ले गई और मनोज कुमार बन गए हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के सबसे हैंडसम एक्टर। हुनर ऐसा था कि इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसी बड़ी हस्तियां भी इनकी फिल्में देखना पसंद करते थे। लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर ही मनोज कुमार ने फिल्म उपकार बनाई थी, लेकिन अफसोस शास्त्री जी उस फिल्म को नहीं देख सके। मनोज कुमार वो शख्सियत है जिनकी फिल्म क्रांति 96 दिनों तक हाउसफुल रही थी। गोल्डन जुबली वाली इस फिल्म का क्रेज ऐसा था कि दुकानों में फिल्म के पोस्टर वाली टी शर्ट, जैकेट और यहाँ तक कि अंडर गारमेंट्स तक बिकने लगे थे। ये फिल्म 1.5 सालों तक सिनेमाघरों में थी। मनोज कुमार का शाहरुख खान पर किया गया 100 करोड़ का मानहानि केस भी बहस सुर्खियों में रहा। 2007 की फिल्म ओम शांति ओम के एक सीन में शाहरुख खान ने मनोज कुमार की नकल उतारी थी। मनोज कुमार की मिमिक्री करते हुए उन्होंने उनका सिग्नेचर पोज भी दिया था, जिसमें वो अपने हाथों को चेहरे के सामने लाते थे। फिल्म में अपना मजाक बनता देख मनोज कुमार इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने शाहरुख खान और इरोज पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा कर दिया। मामला बढ़ता देख शाहरुख खान ने ईमेल के जरिए मनोज कुमार से माफी मांगी थी। मनोज कुमार ने शाहरुख को माफ कर दिया और कोर्ट ने भी फिल्म मेकर्स को उस सीन को फिल्म से हटाने के आदेश दे दिए। भारत के बाद जब जापान में ये फिल्म रिलीज हुई तब भी उस सीन को नहीं हटाया गया। इस बात से नाराज होकर मनोज ने कहा था, मैं शाहरुख को कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरी और कोर्ट के आदेश की इंसल्ट की है। हालांकि समय के साथ ये मामला खत्म हो चुका है। बता दें कि ये मामला कोर्ट के बाद ही सेटल हो गया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।